ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत व छपरौली में पैदल गश्त व फ्लैग मार्च। आज दिनांक 24 मई 2020 को ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत व छपरौली में पैदल गश्त व फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक बागपत, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी के साथ मय फोर्स के मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के दौरान ही जन सामान्य से सोशल डिस्टेंस बनाए रखते हुए लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए ईद उल फितर का अपने घरों में ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु अनुरोध किया गया। देखिए, कल ईद का त्यौहार है, ईद उल फितर का, उसको देखते हुए पूरे जनपद को सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 जून और 11 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट की ड्यूटियां लगी हुई हैं। उसके दृष्टिगत लगातार भ्रमणशील है, पुलिस भी भ्रमणशील है और जो मजिस्ट्रेट उनके साथ में लगे हुए काउंटर पार्ट वो भी लगातार भ्रमणशील है। और अब उसी के दृष्टिगत आज हम लोगों ने अभी फ्लैग मार्च किया है, पूरे बड़ौत कस्बे पे एक बार फ्लैग मार्च हो चुका है और छपरौली की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अभी आगे भी हम लोग करेंगे। और कल के लिए भी पूरी व्यवस्था है, हर जगह जितनी भी ईदगाहें हैं और जितनी भी मस्जिदें हैं उसके आसपास हमारी फोर्स रहेगी। सबसे ये अपील पहले भी हम लोगों ने की थी, जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई थी उस दौरान भी हम लोगों ने ये अपील की थी कि कहीं भी, चूँकि जो चौथा चरण है हमारा वो लागू है लॉकडाउन का, और उसमें किसी भी तरीके की धार्मिक कृत्य जो सामूहिक रूप से होने वाले हैं या सामाजिक कृत्य, उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध अभी भी जारी है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सबको स्पष्ट रूप से ये निर्देशित भी किया है और ये बताया भी है कि कोई एक जगह इकट्ठे होकर के नमाज ना पढ़े, अपने घरों में ही त्यौहार को पूरे सौहार्द के साथ मनाएँ, उसमें भी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका अनुपालन करें। तो उसको अनुपालन कराने के लिए ही जो हमारा लॉकडाउन का चौथा चरण, उसका अनुपालन कराने के लिए पूरी फोर्स लगातार भ्रमणशील है और भविष्य में तो कल भी पूरे दिन हम लोग लगे रहेंगे। कुल कितनी फोर्स वगैरह लगाई गई है? देखिए, इसमें काफ़ी, मैंने जैसा अभी बताया आपको कि 3 हमारे जोन बने हुए हैं और 11 सेक्टर हैं, तो सबके लिए अलग अलग उसमें नामित किए गए हैं अधिकारी और उनके नेतृत्व में पूरी फोर्स है। जितने भी हमारे थाने के थाना इंचार्ज हैं, ICOPs हैं, साथ में जितने CO साहबान हैं, सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। इसमें कम से कम 250 से 300 की फोर्स हमारी डिप्लॉय की गई, उसके अलावा मजिस्ट्रेट जितने हैं वो भी लगे हुए हैं। तो लगातार हम लोग भ्रमणशील रह करके इसका अनुपालन कर रहे हैं। थैंक यू।